ने पूछा कौन है ये लड़की? हाँ दर्शी, बताइए ना ये लड़की कौन है? हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, बताइए ना प्लीज। बताइए ना कौन है ये लड़की? ये लड़की मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। छह महीने पहले मेरा इसके साथ अफेयर था। कुछ समय पहले मैंने इसके साथ रिश्ते खत्म कर दिए थे और तब से ये और इसका बॉयफ्रेंड मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उस दिन जब आप सब होटल में आए तो मैं इसी के साथ था। जब मैंने इसे पैसे देने से मना किया तो इसने मुझे धमकी दी कि मेरी फोटोज सबको दिखा देगी। ये यहां कैसे आई? ये शायद वॉचमैन को धोखा देकर घर में घुसाई और मुझे मिलने के लिए नीचे बुलाया। और जब मैं नीचे आया तो रागिनी की ताने की आवाज आई और मैं डर गया और उसे संदूक में छुपा दिया। इसकी चेन भी शायद उसी वक्त गिर गई होगी। बस बस आदर्श, अपनी ये सफाई अपने परिवार वालों के सामने बाद में देते रहना, पहले मेरा पैसा निकालो। वरना हमारी सारी फोटोग्राफ्स ये खबरदार खबरदार, अगर तूने हमारे आदर्श को धमकी दी तो हरे को पता ना है हम लोग कौन है। बहुत बड़े लोग हैं हम लोग, हमारे भाई साहब। बस सुझाता लड़की, किसी को धमकी देना कानूनन अपराध है। अच्छा तो आप मेरे बारे में पुलिस कंप्लेन करेंगे? माइंड योर लैंग्वेज गर्ल, बड़े पापा से ऐसे बात करने की हिम्मत भी मत करना, वरना 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 क्या करोगे? तुम लोग अगर पुलिस में जाने की कोशिश भी की तो मैं ये सारी फोटोग्राफ्स मीडिया में एक्सपोज कर दूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो, पर जब तक आदर्श भैया का परिवार उनके साथ है ना, तब तक तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये फोटोग्राफ्स की भी कोई वैल्यू नहीं है, भले इस वक्त आदर्श भैया का पूरा परिवार उनसे नाराज है, पर अगर उन पर कोई भी मुसीबत आई ना तो हम सब लोग उनके साथ खड़े रहेंगे, समझी? हमारे यहां रिश्तों को सबसे ऊपर रखा जाता है। पर हां, हमारे पास सबूत के तौर पर तुम्हारी ये चेन है, अगर हम चाहे तो झूठा इल्जाम लगाने के केस में तुम्हें जेल भी कर सकते हैं। बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी लड़की, तुम्हारे और हमारे बेटे आदर्श के बीच में जो कुछ हुआ उसके लिए हम तुम्हें इल्जाम नहीं दे रहे, उसका जवाब हमारा बेटा हमें देगा। लेकिन तुम्हें भी हम तुम्हारी मन मर्जी नहीं करने देंगे, और आज के बाद हमें या हमारे बेटे को
अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। मुझे माफ कर दीजिए पापा प्लीज, आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। हमने आप पर बहुत भरोसा किया था आदर्श, हमेशा स्वरा को ही झूठा समझा, फिर भी आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा धोखा, इस गुनाह के लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आदर्श, हमारे संस्कार इतने खोखले निकलेंगे हमने कभी सोचा नहीं था। हमने सोचा नहीं था तुम हमें इतना बड़ा धोखा दोगे, अपनी पत्नी के साथ इतना बड़ा फरेब करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? माफ कीजिएगा किस्सा, आपको ये सब देखना पड़ा। दुर्गा प्रसाद जी, माफी कैसी? ये तो एक ही परिवार है, और आप निश्चिंत रहिए, आज यहां जो कुछ भी हुआ है वो बात यहां की दहलीज पार न करेगी। अब सवेरा हो गया है, मुझे भी निकलना चाहिए। शेखर जी को बता दीजिएगा कि संस्कार बेकसूर है, बेगुनाह है। आज का दिन खत्म होगा या अभी भी किसी को कोई तमाशा करके दिखाना है? आज के बाद हम अपने आप से अपनी निगाहें नहीं मिला पाएंगे। हमारी परवरिश, हमारे संस्कार, जिन पर हमें इतना गुरूर, इतना विश्वास था, आज उनकी जैसे नींव हिल गई। हमारा परिवार, जिस पर हमें मान था, अभिमान था, आज हमारी शर्मिंदगी की वजह बना है। हमारे बेटे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। और हमारा सबसे बड़ा बेटा, हमारा आदर्श, जो हमारा गुरूर था, जिस पर हमें अपने से ज्यादा विश्वास था, जिससे उम्मीद थी कि आगे चलकर हमारा नाम रोशन करेगा, आज उसी ने हमें किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। आज हम बहुत हताश महसूस कर रहे हैं। भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए। सोरा, धन्यवाद। जहां हमारे अपनों ने हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाई, वहीं तुमने अपमानित होने के बाद भी ये साबित कर दिया कि रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं बनते, उन्हें निभाना पड़ता है। आज तुमने सही मायनों में इस घर की बहू होने का हक अदा किया है।
सके तो हमें माफ कर देना। नहीं नहीं बड़े पापा, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। एक रात में बहुत कुछ हो गया ना सौरभ। क्या है, क्या कर रहे हो? फाइनली तुमने जवाब तो दिया। मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है संस्कार। पर क्यों? बस नहीं करनी है। लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने सिर्फ सच का साथ दिया है। सो प्लीज अब इसका कोई और मतलब मत निकाल देना। क्यों नहीं निकालूं? आज तुमने जो किया है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है स्वरा। यही तो प्रॉब्लम है संस्कार, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। पर क्यों? जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। क्या जानना है तुम? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो मेरे साथ? क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें धोखा दिया है स्वरा? हाँ संस्कार, हम दोनों दोस्त थे, फिर हमारे बीच प्यार व्यार की बातें कहाँ से आ गई? राइट, तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए धोखा है। हाँ। संस्कार तुम जानते हो कि मैं इस घर में किस मकसद की वजह से आई हूँ, उसके बाद भी। हाँ तो इसमें मेरे प्यार की क्या गलती है? अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो उसमें मेरी क्या गलती? बस संस्कार इनफ, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना है। हाँ तो मुझे भी नहीं कहना था। हाँ तो क्यों कहा? संस्कार हम दोनों एक मकसद की वजह से एक हुए थे, हम दोनों एक दूसरे के वो दोस्त थे जिसने जिंदगी के सबसे खराब मोड़ पर एक दूसरे का साथ दिया। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे पर तुमने मुझसे मेरा वो दोस्त भी छीन लिया, वही सारी बकवास बातें करके। पर बस आज से हम दोनों सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देंगे, कोई दोस्ती कोई रिश्ता नहीं। और जैसे ही हमारा काम खत्म होगा तुम अपने रास्ते और मैं अपने। ठीक है क्या? मैं तुम्हें सॉरी वॉरी नहीं कहने वाला, तुम्हें हर्ट करने के लिए मैं पहले ही बहुत बार सॉरी कह चुका हूं और हजार बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुमसे प्यार करने के लिए कभी नहीं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी फीलिंग है। आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट।
बधाई हो सोरा, बहुत सफाई से तुमने संस्कार को बचा लिया। उन्होंने तुम्हें थैंक यू कहा कि नहीं? हाँ रागिनी, उसने तो बोल दिया, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी मुझे थैंक यू बोलना चाहिए? आफ्टर ऑल संस्कार से ज्यादा तो मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है। तुम जानती हो रागिनी कि अगर मैं चाहती तो दो मिनट में तुम्हारी पूरी सच्चाई सबके सामने लाकर खड़ी कर सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अपनी इज्जत की फिक्र तुम्हें हो ना हो मुझे जरूर है। तुम्हारी सच्चाई बताकर मैं घर वालों को और धोखा नहीं देना चाहती थी। पता है क्या, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक लड़की होकर इतना कैसे गिर सकती हो तुम? शर्म आ रही है सोचकर कि तुम मेरी बहन, अपनी इज्जत का तमाशा बनाकर रख दिया तुमने। संस्कार को गलत साबित करने के लिए इतने सारे लोगों के इमोशंस के साथ कैसे खेल सकती हो तुम? और तुम सोरा, तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो संस्कार के जज्बातों के साथ खेल ही रही हो ना। कहने के लिए तो कहती हो कि तुम उनसे प्यार नहीं करती, पर हमेशा हर वक्त उन्हें जताती हो कि वो तुम्हारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। उन्हें बचाने के लिए इतना कुछ किया है तुमने। तुम कब समझोगी रागिनी कि तुम्हारे और मेरे खेल में बहुत फर्क है? मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करती हूँ। तो संस्कार से ही प्यार कर लो ना स्वरा। सच में स्वरा, संस्कार बहुत अच्छे इंसान है, और जो कुछ भी हुआ उसके बाद पता नहीं तुम्हें कोई अपनाएगा भी या नहीं, पर कम से कम संस्कार तुमसे सच्चा प्यार तो करते है। वो संस्कार आप हमसे बात ना ही करें तो बेहतर है। एक्चुअली रागिनी, तुम्हारा ये रूप देखकर तो मैं भी बहुत सरप्राइज्ड हूँ। हमने ये सब सिर्फ अपने पति को पाने के लिए किया है। हम उनके और हमारे बीच किसी को नहीं आने दे सकते। स्वरा, अब तक तो हम समझ चुके हैं कि तुम हार नहीं मानने वाली, तो फिर तुम भी समझ लो कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर तुमने हमारे और लक्ष्य के बीच दूरियां बढ़ाने की कोशिश की तो हम माँ बाबा के रिश्ते को क्या रागिनी, हम उन दोनों को एक नहीं होने दे सकते, और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी स्वरा। लक्ष्य के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो ना? हाँ स्वरा, कुछ भी। तो मैं भी माँ और बाबा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उनके रिश्ते के आगे मुझे भी कुछ दिखाई नहीं देता है, और अगर तुमने उनके रिश्ते की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। रागिनी, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूं। ये लड़ाई हम दोनों के बीच की है, तो बेहतर होगा कि इस लड़ाई को हम दोनों के बीच ही रहने दो। अब तक मैं अपनी हद में थी, तो तुम भी अपनी हद में रहो। कुछ तो नहीं आई ना, काम लगा लो। ठीक है स्वर, अब ये लड़ाई हम दोनों के बीच ही रहेगी। अपने सच पर बहुत नाज है ना तुम्हें? तुम्हारे इस झूठे रिश्ते को उसकी मंजिल तक हम पहुंचाएंगे।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.